चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक घटना चक्र के बारे में। तो इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे सम्मेलन और समारोह के बारे में। बात करते हैं संधि और समझौता। तो याद रखिए, जितने भी अभी तक चैप्टर खत्म कर चुके हैं टॉपिक, वो सभी आप लोगों को एक जगह मिल जाएंगे। समसामयिक की घटना चक्र 2019 के नाम से प्लेलिस्ट में सूची बनी हुई है, ठीक है, उसी में डले हुए हैं। चलिए देखते हैं संधि और समझौतों को। इंडियन बैंक मुथूट माइक्रो फाइनेंस में समझौता लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत उज्बेकिस्तान में समझौता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उज्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य चिकित्सा और सैन्य शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तरह AIIA FIZ समझौता आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और जर्मनी के फैंक फर्टर इनोवेशंस जेंटम बायोटेक्नोलॉजी GmbH के मध्य समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत दोनों संस्थान मिलकर जीनोमिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान करेंगे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियों के सहयोग से पर्याप्त साक्ष्य आधारित दिशा निर्देश तैयार करेंगे। फिर बात करते हैं भारत सेंट वेसेंट और द ग्रेनेडाइंस में समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दोनों देशों के बीच चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग के विषय में प्रस्तावित समझौता ज्ञापन को कार्योत्तर मंजूरी दी है। यह समझौता ज्ञापन 11 सितंबर 2019 को हस्ताक्षरित हुआ है। फिर फास्टैग को जोड़ने हेतु समझौता। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने देश भर में एक समान इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग सिस्टम हेतु राज्यों को फास्टैग से जोड़ने के लिए अनेक राज्यों प्राधिकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 1 दिसंबर 2019 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथ कर संग्रह फास्टैग के माध्यम से किया जाएगा। फिर गूगल NHA में समझौता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन में सहयोग हेतु गूगल के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। DRDO जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में समझौता। जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में विज्ञान और टेक्नोलॉजी हेतु कलाम सेंटर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुए। फिर इसरो DRDO में समझौता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के मध्य मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रमाणित करने के उद्देश्य से मानव अंतरिक्ष मिशन हेतु मानव केंद्रित प्रणालियां विकसित करने के लिए साझेदारी हुई है। अगला GEM पंजाब सरकार में समझौता। पंजाब में एक GOTTPMU GEM ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन टीम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। पंजाब देश का पहला राज्य है जहां पर GOTTPMU स्थापित की जाएगी। फिर बात करते हैं गुजरात सरकार और डेलावेयर में समझौता। गांधीनगर गुजरात में पहली बार गुजरात सरकार और अमेरिकी राज्य डेलावेयर के बीच सिस्टर स्टेट हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। गुजरात एवं डेलावेयर वेयर राज्य ने सहयोग के लिए जैव प्रौद्योगिकी जैव विज्ञान वित्तीय सेवाएं पशुपालन डेयरी बंदरगाह सेवाएं जैसे क्षेत्रों की पहचान की है। फिर बात करते हैं NBCC इंडिया लिमिटेड खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय में समझौता। दोनों के मध्य मणिपुर के इम्फाल में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के परिसर के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन
हस्ताक्षरित हुए। एनबीसीसी लिमिटेड ने इस विश्वविद्यालय को विकसित करने हेतु 400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। तरह जियो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प में साझेदारी। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड जियो द्वारा भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। बात करते हैं एनएलएफटी एसडी के साथ समझौता। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और साबिर देव वर्मा के नेतृत्व वाले नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित हुए। एनएलएफटी एसडी ने हिंसा का मार्ग छोड़ने, मुख्य धारा में शामिल होने और भारतीय संविधान का पालन करने के साथ ही अपने 88 सदस्यों के साथ आत्मसमर्पण करने पर भी सहमति व्यक्त की है। के ए बी आई एल की स्थापना हेतु समझौता। सार्वजनिक क्षेत्र के 3 केंद्रीय प्रतिष्ठानों राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालका, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एच सी एल और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एम ई सी एल के बीच एक संयुक्त उद्यम की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। बात करते हैं इस संयुक्त उद्यम का नाम खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड होगा। इस संयुक्त उद्यम में नालको एचसीएल एमईसीसीएल के बीच इक्विटी भागीदारी का अनुपात होगा 40:30:30। बात करते हैं जीईएम सेल में समझौता। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ वस्तुओं और सेवाओं की खरीद हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही सेल जीईएम पर गॉट पीएमयू स्थापित करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम बन गया। फिर है भारत मोरक्को समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दोनों देशों के की न्यायपालिका के बीच आपसी सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और मजबूत बनाने हेतु भारत और मोरक्को के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। फिर है भारत मालदीव समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और मालदीव के बीच समुद्री मार्ग से यात्री सेवा और माल ढुलाई सेवा को बढ़ावा देने हेतु 8 जून 2019 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को पूर्वव्यापी मंजूरी मिली है। इस समझौते के तहत मालदीव और केरल के बीच समुद्री मार्ग से फेरी सेवाओं के माध्यम से कोची को मालदीव के माले और कुलहू धुफोसी से जोड़ा जाएगा। ठीक है। फिर अगला है पहले रेजिलिएंट केरल प्रोग्राम हेतु समझौता। भारत सरकार, केरल सरकार और विश्व बैंक के बीच पहले रेजिलिएंट केरल प्रोग्राम हेतु 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर हेतु समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला टीबी के इलाज और उन्मूलन हेतु समझौता। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच देश में टीबी के इलाज और उसके उन्मूलन हेतु 400 मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। फिर एनटीपीसी और पीजीसीआईएल समझौता। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम राष्ट्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित हुए। इस संयुक्त उद्यम में दोनों की हिस्सेदारी 50:50 की होगी। बात करते हैं भारतीय वायुसेना इजराइल सरकार में समझौता। स्पाइस 2000 बमों के उन्नत संस्करण की खरीद हेतु समझौते पर हस्ताक्षर हुए। बात करते हैं भारतीय एयरटेल लिमिटेड ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड में समझौता। भारत में अपने वीसेट उपग्रह संचार परिचालनों को संयोजित करने हेतु भारतीय एयरटेल और ह्यूजेस कम्युनिकेशंस के मध्य एक समझौता की घोषणा हुई है। फिर अगला है भारत एन ए बी सी ओ एन एस में समझौता। भारत ने मलावी में भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना हेतु नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल
डेवलपमेंट कंसल्टेंसी एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संस्थान भारत और अफ्रीकी देशों में विकसित अपनी तरह का पहला संस्थान होगा। फिर अगला है पीसा में भागीदारी हेतु समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मूल्यांकन कार्यक्रम में वर्ष 2021 में भारत की भागीदारी हेतु भारत और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मध्य हस्ताक्षरित समझौते को मंजूरी मिली है 19 फरवरी 2019 को। तो चलिए, ये थे हमारे संधि और समझौते। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम संघ संगठनों के बारे में। ठीक है।